हेलो एवरीवन, व्यापम का एक और एग्जाम आपके लिए आ गया है। एक और आपके लिए खुशखबरी है, कुछ पोस्ट आई हैं जो आपका ग्रुप टू, सब ग्रुप टू के अंतर्गत आई हैं। अभी तक देखिए, आपने देखा होगा ग्रुप टू, सब ग्रुप थ्री, ग्रुप टू, सब ग्रुप फोर, इनके एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन अभी जो पोस्ट आई है ग्रुप टू और सब ग्रुप टू के लिए है, और इसके अंतर्गत उप अंकेक्षक, लेखक, लेखा सहायक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और अन्य समकक्ष पद हैं जिनकी संयुक्त भर्ती परीक्षा की जाएगी। और इसमें आवेदन की जो पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 29 जून, और अंतिम जो तिथि है वो है 13/7। आप इसका ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है आप इसका ये चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी इसकी 13 जुलाई, और इसका जो एग्जाम है ये होगा 4-5 अगस्त में। ठीक है, उस दिन होगा आपका शनिवार और रविवार। परीक्षा का जो होगा जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और बाकी जो है अनुसूचित जाति मतलब SC, ST, OBC, इन सब के लिए ये 250 रुपये फीस होगी। ठीक है, और जो परीक्षा है आपकी इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9 से 12 बजे तक रहेगा और 2 से 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा व्यापम के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं इसके जो नियम है वो उन्हीं के जैसे ही है जैसे उसमें रहते हैं। और इसका फॉर्म आप भरना अगर चाहते हैं तो आप व्यापम की वेबसाइट जो है pb.mp.gov.in उस पे जाके इसकी लिंक आ चुकी है। ये देखिए पूरा आपका आ रहा है, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंट, अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट, ये सारी पोस्ट हैं तो इनके लिए आ गया है। और देखिए इलेक्शन से पहले काफी और जो वैकेंसीज हैं वो भी आ सकती हैं। अच्छा, इसके अगर हम थोड़ा बहुत सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। पोस्ट वगैरह की जो पूरी जानकारी है वो आपको इसकी रूल बुक में मिल जाएगी। ये रूल बुक में वैसे तो आप उनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल है, उसके ऊपर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें जो एग्जाम होगा एक ही पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जो आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर का पूछा जाएगा। और जो संबंधित विषय है, जैसे आप अकाउंटेंट से हैं तो अकाउंट से संबंधित है जो है आपका सिलेबस होगा उससे आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपने जो भी जैसे ग्रेजुएशन अगर आपने अकाउंट से किया है तो उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो सामान्य विज्ञान है वो जनरली जो इस टाइप की जो एग्जाम्स हैं उनमें जो मैंने NCERT की PDF बनाई है उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस हैं मतलब मैंने एक समराइज किया था उसको, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना था, और इसके अलावा मैं बहुत जल्द ही आगे आऊंगा, 2-4 दिन के अंदर ही मैं आपको इन दो एग्जाम्स जो आपके आए हैं, ग्रुप फोर का एग्जाम आया और ये जो एग्जाम आ चुका है, इनकी जल्द ही मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। और बस थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बताऊंगा आपको सारे रीजन, बताऊंगा क्यों बिजी चल रहा हूँ, क्या है ये सब। ठीक है, और बस ये है, तो आप जल्दी से तैयारियों में लग जाइए एग्जाम की, और जल्दी से जल्द ही ये आप तैयारी कर डालिए। और आप डेफिनेट ये मानिए कि और आगे कुछ और एग्जाम्स हैं जो मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार जो है वो आगे घोषणा करने वाली है। घोषणा तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस वो अमल में लाने की बात है, तो जल्द ही आपको और दूसरी वैकेंसीज भी मिलने लगेंगी। ठीक है, हो सकता है इस जो वीडियो है इसका थोड़ा सा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आप प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन लीजिए। मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो इसलिए मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड इसको नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भी हो, आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप जो संबंधित ग्रुप्स हैं हमारे उस पर जुड़ सकते हैं। कई लोग एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, वो आपके क्वेरीज के जवाब देते हैं, कई बार मैं नहीं जवाब दे पाता हूँ, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा हूँ अभी पिछले 2-3 महीने से। आपने देखा होगा चैनल पर मैं ज्यादा वीडियोज भी अपलोड अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बहुत जल्दी मैं अनअकेडमी पे भी आने वाला हूँ आपके लिए बहुत शानदार प्रिपरेशन लेके। चलिए खैर, यही सब बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। थैंक यू।